जिसके साथ वो बरसों रही, चार बच्चे हुए और वो पति सिर्फ उन्हीं की खातिर सऊदी अरब में जाके जॉब कर रहा था और सीमा हैदर उस टाइम अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देने के बजाय पबजी खेल रही थी। और ना सिर्फ पबजी खेल रही थी, अलग अलग दो तीन बॉयफ्रेंड उनके सामने अब तक आ चुके हैं। एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की के लिए उन्होंने अपनी सारी रिवायतें तोड़ दी। मैं सचिन के परिवार वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने किसी दूसरे बेटे की शादी किसी हिंदू ऐसी महिला से कर सकते हैं जो अपने पति को एक शादी में रहते हुए छोड़कर आए? लेकिन हमारे देश में एक चरित्रहीन महिला को इस कदर एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, मैं हूँ आपके साथ नैना शर्मा। पाकिस्तान की सीमा हैदर जब से हिंदुस्तान आई हैं सचिन के प्यार में पड़ के, जब से ग्रेटर नोएडा वो पहुंची हैं, तब से हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी उन्होंने गदर मचा रखी है। देखिए, सीमा हैदर जो कि पबजी से सचिन के प्यार में पड़ी, पबजी से लवजी का ये पूरा खेल है, या इसे कह दें ये पूरा जंजाल है, जो लव एंगल जो है ये वो सचिन के प्यार में पड़ी और वो पूरा नेपाल से घूमती हुई और हिंदुस्तान आ गई। अब वो सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा रह रही हैं। हालाँकि कई जगहों से बातें ये भी आ रही है कि वो जासूस भी हो सकती हैं, कई लोग उन्हें कुछ और भी बता रहे हैं, उनको 4 से 5 भाषाओं का ज्ञान भी है। कहानी कुछ अटपटी सी होती जा रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मामला जो है वो ये है क्या। वहीं हम लोग आए हैं यहाँ पे हापुड़ की जनता के पास, यहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि वो सीमा के बारे में क्या समझते हैं, क्या लगता है उन्हें कि ये जो मामला है वो सच में प्यार मोहब्बत का ही है या फिर इसका कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है, कोई दूसरा मामला भी हो सकता है। तो कुछ महिलाओं के पास पहले हम जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है कि जो सीमा को प्यार हुआ सचिन से, अपना शौहर छोड़ के वो आ गई और अब सचिन के साथ रह रही है और कहती है बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करती है, बच्चों को भी साथ में लेकर आई हैं, तो क्या लगता है आपको इस पूरे मजरे में? जी, अगर मैं ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की दुश्मनी और वो रिश्ते ख़राब होने वाली बात को एक तरफ रख के सिर्फ एक महिला होने के नाते अगर बात करूं तो ये टोटल ही मामला बड़ा अटपटा सा लगता है और अजीब लगता है। और सबसे ज़्यादा अजीब लगता है मुझे हमारे देश के लोगों की एक्सेप्टेंस, उनको अपनाने की जल्दबाजी। आखिर एक औरत जो अपने पति को छोड़ के एक शादी में रहते हुए जिसके साथ वो बरसों रही, चार बच्चे हुए और वो पति सिर्फ उन्हीं की खातिर सऊदी अरब में जाके जॉब कर रहा था और सीमा हैदर उस टाइम अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान देने के बजाय पबजी खेल रही थी। और ना सिर्फ पबजी खेल रही थी, अलग अलग दो तीन बॉयफ्रेंड उनके सामने अब तक आ चुके हैं, सबसे फ्रेंडशिप कर रही थी, अफेयर कर रही थी। तो एक गैर जिम्मेदार औरत थी वो, एक गैर जिम्मेदार माँ थी। उसी दौरान उनको सचिन से प्यार भी हो जाता है पबजी के ज़रिए और उनका पति जिसको उन्होंने नहायत ही बेवकूफ़ बनाया, वो उसकी सारी कमाई को लेकर और चार बच्चों को लेकर अवैध तरीके से भारत में घुस आती हैं। और हमारे भारत के लोग, मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी उस परिवार पे है जहाँ परिवारों में अपने धर्म में रिश्ता करते हुए लोग सबसे पहले जाति देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं। एक पाकिस्तान से आई हुई लड़की के लिए उन्होंने अपनी सारी रिवायतें तोड़ दी। तो क्या पाकिस्तानी होना इतनी बड़ी क्वालिटी है, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि उसके आगे उनकी सारी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई? अब ना उनको जाति चाहिए ना धर्म चाहिए। मैं सचिन के परिवार वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपने किसी दूसरे बेटे की शादी किसी हिंदू ऐसी महिला से कर सकते हैं जो अपने पति को एक शादी में रहते हुए छोड़कर आए और दो तीन बच्चे साथ में लाए? शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, और शायद नहीं, यकीनन ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ होंगे। हमारा बेटा अभी अनमैरिड है, हम एक शादीशुदा से कैसे शादी कर दें, उसके बच्चे हैं, अभी हमारे बेटे की शादी भी नहीं हुई, उनके पास हज़ार एक्सक्यूज़ होंगे। लेकिन हमारे देश में एक चरित्रहीन महिला को इस कदर एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मेरी समझ में ये सारा खेल नहीं आ रहा। और अगर आप फिर दूसरे पहलू की बात करें, वो किस तरह घुसाई, वाकई हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा क्या इतनी लचर है कि एक महिला चार बच्चों के साथ घुसती है? हमारी सरकार कहती है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, हमारी सीमाएं इतनी सुरक्षित हैं। देखिए, सीमा ये भी बोलती हैं कि जो उनके पति हैं यानी कि गुलाम हैदर, वो उन पर उत्पीड़न करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, और वो ये भी कह रही हैं कि अगर मैं वापसी से गई पाकिस्तान तो उन्हें मार दिया जाएगा, ये भी एक बात वो बता रही हैं। ठीक है, वो अपने पति से अगर उनको कोई भी शिकायत थी, उत्पीड़न करते थे वो उनके, तो सीमा हैदर आपको कहीं से इतनी बेचारी नजर आ रही है जिसने कोर्ट का रास्ता ना देखा हो, जिसको थाना पुलिस पता ना हो? क्या वो कभी अपने पति के खिलाफ थाना पुलिस कहीं गई थी? और उनका पति जब सऊदी अरब में था तो वहाँ से किस प्रकार उत्पीड़न कर रहा था? वो तो उनको पैसे भेज रहा था। जब तक उनके साथ रहा तब तक भी उन्होंने कहीं कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की, उनको छोड़कर चला गया तब भी उन्होंने कोई पुलिस कंप्लेन नहीं की। अगर वो इतनी हुई प्रताड़ित थी उससे, तो उससे तलाक ले सकती थी, तलाक लेने के बाद सचिन के प्यार में पड़ जाती हूँ, उसके बाद उनसे शादी कर लेती। आज वो एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में कहती हैं कि आप मेरे प्यार की खातिर कुर्बानी दे दीजिए, हमें तलाक दे दीजिए।
एक शादीशुदा महिला किस तरह इतनी बेशर्मी से अपने पति से ये बात कह सकती है? क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि एक शादीशुदा महिला अपने पति से कहती है कि मुझे अभी अभी एक नया नया प्यार हुआ है, तो आप अपने इतने सालों के रिलेशन को लात मार के आप मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दे दीजिए। अच्छा, दूसरी तरफ मैं बात करूँ हमारे ही लोगों के दोगलेपन की, एक देश की बेटी है ज्योति मौर्य, SDM ज्योति मौर्य, जो कि बहुत हाईलाइटेड इस वक्त का टॉपिक है। तो ज्योति मौर्य, लोगों ने उनके बारे में तो नहीं पूछा वो अपने पति से कितनी परेशान थी, उनके पति ने मीडिया पे आके दो बार रोया गया, सबको लग गया ज्योति मौर्य जो है अब अपने पति को प्रताड़ित कर रही हैं, वो बहुत बुरा कर रही हैं, तमाम उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल पड़ा। किसी ने दूसरा पहलू जानने की कोशिश भी नहीं की, क्यों? वो भारतीय हैं, इस बात की सज़ा मिल रही है उन्हें, और ये पाकिस्तानी होने का हम इसको इनाम दे रहे हैं। मुझे तो पहली बार ये सोच के बड़ा ही अजीब लग रहा है। मैं तो आज तक पाकिस्तान को शत्रु देश समझती आई हूँ, क्योंकि वो हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता रहता है, लेकिन हमारे भारतीय लोगों को वो इतनी अजीज हो गई है, उनका पाकिस्तानी होना उनको इतनी बड़ी बात लग रही है कि उन्होंने ना उसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला समझा, ना उसके चरित्र को देखा, ना उसके शादीशुदा होने को सोचा। इस बात को लेकर हैरान हूँ। और ज्योति मौर्य को किस बात की सजा दी गई? उन्होंने भी तो एक फैसला ही किया। क्या लगता है कोई पहलू इनके तार के ISI से भी जुड़े हुए हो सकते हैं? क्या कोई दूसरा पहलू भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह उनका सस्पिशियस कैरेक्टर सामने आ रहा है, एक 5वीं पास लड़की जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह के एटीट्यूड के साथ बात कर रही है, क्या आपको कहीं से भी वो एक अनपढ़ या इलिटरेट या बहुत कम पढ़ी लिखी महिला नज़र आती है? और जिस तरह उसने एकदम आते ही मैं हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति इसको मैंने अडॉप्ट कर लिया है, उनका पूरा का पूरा ये सब एक प्रोपेगेंडा नज़र आता है, और बिल्कुल ये डाउटफुल चीज़ें हैं। बल्कि हमारी सरकार को इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए, और अगर ये सस्पिशियस पाई जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।